वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं मौजूद हूँ जमशेद क्वार्टर कराची TDF घर में, वेयर यू कैन सी ओल्ड कराची स्टाइल होम एंड दिस हाउस इज़ अ ट्रिब्यूट टू ओल्ड आर्किटेक्ट। एक 100 साल पुराना घर है जो बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आज यहाँ पर TDF घर में माई कराची फेस्टिवल भी लगा हुआ है। द सिटी इज़ रेडी टू स्पीक, मतलब कराची की आज बात होगी, आर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री। तो आज मैं आपको ये घर एक्सप्लोर करवाऊँगा। दिस 1930s हाउस इज़ रेनोवेटेड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बाई द दाऊद फाउंडेशन। तो बहुत अच्छी बात है कि दाऊद फाउंडेशन हमेशा एजुकेशन को प्रमोट करता है, और उसी तरह इस घर को भी बहुत अच्छा मेंटेन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब तो TDF घर में एंटर होते ही आपको सामने एक मदर ट्री नज़र आएगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट है पिछले ज़माने का, और इसे विश ट्री का नाम दिया गया है। और ये पाकिस्तान में डिफरेंट श्राइन्स पर मौजूद होता है ट्री, हैंगिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो TDF घर में अंदर आने के बाद यहाँ पे एक ग्रामोफोन रखा हुआ है जो पहले ज़माने में म्यूज़िक के लिए यूज़ होता था, और इससे जो है साउंड प्रोड्यूस होता था। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें रखी हैं पुरानी कराची की, जो हमें पुराने ज़माने की याद दिलाती हैं। कैंडल स्टिक स्टाइल फ़ोन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज माई कराची फेस्टिवल लगा हुआ है TDF घर में, डिफरेंट आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे अटेंड करना था। तो चलते हैं आगे। All three floors are well maintained and great place to remind us of the cosmopolitan heritage of Karachi. Stairs से मैं ऊपर जा रहा हूँ और different यहाँ pictures हैं old Karachi की, सदर की streets हैं, बंस रोड है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि students यहाँ पर आके science and arts को discuss कर सकते हैं। उनके लिए एक proper cafe यहाँ पर बनाया गया है, और खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कराची को रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिफरेंट वर्क ऑफ आर्ट यहाँ पर है, पिक्चर्स लगाई गई हैं कराची की डिफरेंट। तो इसके बाद हम लोग रूफ टॉप पर जाएंगे जहाँ मज़ार कायद का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और मेरी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं कराची की उसमें मैंने वो दिखाया हुआ है व्यू। तो आज मैं आपको व्यू दिखाऊँगा, और इधर आप देख सकते हैं सामने पिक्चर्स लगाई गई हैं डिफरेंट, कराची की बस है, और इस घर में लाइब्रेरी है, आप आराम से आकर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत इसको मेनटेन रखा हुआ है। क्या मैं इस जगह का हिस्सा हूँ, ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं कराची पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप्स ऑफ कराची है, और इसके साथ साथ डिफरेंट वर्क ऑफ आर्ट आज यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको यही कहूँगा, आप लोग ज़रूर आएँ TDF घर, 100 रुपीज़ यहाँ की एंट्री है और कोई चार्जेस नहीं है। तो दी दाऊद फाउंडेशन की एक और वीडियो मैंने बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की, मैग्निफी साइंस सेंटर, जो कराची का फर्स्ट इंटरेक्टिव साइंस सेंटर है। तो रूफ़ टॉप पर आने के बाद आपको यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन ऑफ मज़ार कायद की डिटेल्स, और सामने आपको खूबसूरत व्यू मिल जाएगा मज़ार कायद का, जो बहुत ही यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं आके, और हार्ट शेप है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आज यहाँ पर ओपन माइक है, डिफरेंट आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट कराची की स्टोरीज़ हम सुनेंगे, तो उसका वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओल्ड पिक्चर है अब्दुल्ला शाह गाजी के श्राइन की, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अब कराची का ये एरिया क्लिफ्टन कहलाता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो यहाँ पर आप डिफरेंट गेम्स इंजॉय कर सकते हैं, अगर आप स्टडी के लिए आते हैं और थक जाते हैं तो इधर आराम से आप बैठ के गेम्स इंजॉय कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, इमेजेस ऑफ कराची, कराची हिस्ट्री, कराची ड्यूरिंग द राज, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो TDF घर हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिकॉर्डर है, पुराने ज़माने का TV है, रोटरी फ़ोन है जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, रोटरी फ़ोन वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो TDF घर के बैक साइड पर एक सिटिंग एरिया है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप आके स्टडी कर सकते हैं। सामने झूला रखा हुआ है और यहाँ बैठ कर आप इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है यहाँ का शाम में। तो लास्ट में यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ पर आप रिव्यू दे सकते हैं कराची के बारे में, अपने बारे में, जो भी आप रिव्यू देना चाहें आप दे सकते हैं यहाँ पर। मैंने भी दिया था यहाँ पे रिव्यू। तो स्टोरी सेशन स्टार्ट हो गया है आप देख सकते हैं, और अब मैं जा रहा हूँ कराची की स्टोरीज़ को सुनने के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।